وإني امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وصلوا خير. अगर बीवी को अपने शौहर से ये शिकायत है कि शौहर बड़ा कड़वे मिजाज का है, बड़ा टेढ़ा है, तो वो अगर शौहर से सुलह की दरख्वास्त करे तो शौहर को मान लेना चाहिए। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कौन बीवी है, कौन शौहर है? तुम्हारा होना चाहिए कि जिस आयत को आप फिट कर रहे हैं यहाँ पर, इन्नल आहद वफू बिलाहद, ये जो है सीधे साधे इस्लामी सोसाइटी में कहा, इसको जोड़ना उन माहदात से कि सुलह हुदैबिया की तरफ इशारा है या शिमला पैक्ट की तरफ इशारा है या ये जो है उस पैक्ट की तरफ इशारा है, उस पैक्ट की तरफ इशारा है, इसको यहाँ यहाँ कहीं आयत को कहीं घसीट फिरना। ये आजकल वही होम्योपैथ जो उलमाए किराम हैं जिन्हें सिर्फ अल्फाज याद किए हैं, 500 पे किताब पढ़ के आलिम बन गए हैं, वो कहीं से कहीं ले जाते हैं। यहाँ एक किरदार बयान हो रहा है मुसलमान का, जो किरदार होता है अहद में लाजमी शर्त तो पहली ये है, याद रखें कि अहद लाजमी तौर से वो पूरा किया जाएगा जो अहद शरीयत के मुताबिक हो। अच्छा, अगर हम दो चार मुस्लिम गैर मुस्लिमों से अहद कर लें कि भाई आज से जो है हम आपके दरमियान में ये रहेगा कि अजान से आपको बहुत तकलीफ़ होती है और आप बेचारे घबरा जाते हैं, हार्ट के मरीजों का दिल तेज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लिहाजा ऐसे अजान बंद हमारा आपका पैक्ट होता है, तो ये पैक्ट चलेगा? या फजर में तीन रखते पढ़ा करेंगे साहब, हम एक पढ़ा करेंगे, देर तक होती है, अभी एक पढ़ा करेंगे आपकी खुशनुदी के लिए, पांच नमाजें बहुत हो गई, चलिए दो पे रहेगा हमारा आपका पैक्ट, तो हो जाएगा ये पैक्ट, वो अहद पूरा किया जाएगा, क्योंकि मुसलमान तो सच्चा होता है, जो वादा कर लिया लिहाजा पूरा होगा। माहदे की पहली शर्त यह है कि वो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक होना चाहिए, उसके बाद अगला नंबर आता है। तो जो लोग माहदा करने की बात करते हैं, माहदे को पूरा करने के लिए आयतें सुनाते हैं, पहले उस माहदे की तफसीलात को कुरान सुन्नत के मुताबिक साबित करके दिखाएं। जब वो कुरान सुन्नत के मुताबिक साबित हो जाए तो बेशक उसका पूरा करना मुसलमानों के लिए ज़रूरी हो जाएगा, जो भी माहदा हो दुनिया में उसका पूरा करना ज़रूरी हो जाएगा। इन्नल अहद काना मसूला, क्योंकि माहदों के बारे में पूछा जाएगा, इंटरनेशनल माहदे हों या आपके ज़ाती माहदे हों, उसके बारे में पूछा जाएगा। वाउफुल कैला इज़ा किल तुम, जब तोलो पूरा तोलो, वज़नू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, तराजू हमेशा सीधी रखो। खाली यहाँ पर वो आटे दाल की तराजू नहीं है ये, कि जब भी आटा तोलो या दाल तोलो तो ठीक तोलो, खाली इतनी बात नहीं कहना कुरान करीम, ये पूरी ज़िंदगी का उसूल है। तुम्हारी जो तराजू दूसरों से लेने के लिए है वही देने के लिए होनी चाहिए। जो उसूल दुनिया में दूसरों के बारे में तुम अपना, वही तुम्हारे अपने बारे में होना चाहिए। यानी कि अपने लिए स्पेशल कुछ रियायतें रखो और दूसरों के लिए इस कुछ अलग से कवानीन बनाओ, ये नहीं होना चाहिए। मुसलमान दो रुखा नहीं होता, मुसलमान की ज़िंदगी जो है डबल नहीं होती, डबल माइंडेड नहीं होता। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला, यही बेहतर है और अंजाम के अतबार से भी। बेईमान माशरे दुनिया में कामयाब नहीं होते, दुनिया में भी कामयाब नहीं होते, आखिरत में पकड़े ही जाएंगे। दुनिया में भी जिस माशरे की बुनियाद बेईमानी पर होती है वो कभी कामयाब नहीं होता। मुसलमान तो इसलिए कामयाब नहीं होते कि पसरट्टे की दुकान खोलेंगे तो दिन भर का फ़ायदा एक ही ग्राहक से लेने की सोचेंगे, पहले ही ग्राहक उसको वो रेट बताएंगे, वो बेचारा जाकर बनिया के पास जाके मजबूर होता है लेने के लिए, और सोचा उसके यहाँ सस्ता मिल जाता है। मुसलमान जो है सारे अंडे मुर्गी से एक ही दिन में निकालना चाहता है जितना भी है, इसी वजह से पट हो जाते हैं। बिजनेस में नाकामी का राज ही ये है। कुरान ने आपको कामयाबी का राज दिया है, ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला, क़िस्तास मुस्तक़ीम, यानी उसूलों की सही रियायत, ईमानदारी, यही कामयाबी का राज है दुनिया और आखिरत में, यही दुनिया कामयाबी का राज है। वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, और जिस चीज़ की तुम्हें खबर नहीं उसके पीछे ना लगो। यानी जहालत की, जहालत को अपना मुद्दा ना बनाओ, जहालत बिना बन पर जिंदगी की तामीर ना करो। माले से लगा भी इल्म, जहालत को ना फैलाओ, ना जहालत के अलमबरदार बनो, ना जहालत को अपना रवैया बनाओ। इस्लाम बार बार ये बात कहता है कि हमारा रवैया इल्म और अक्ल पर मबनी होना चाहिए। लौला यातून अलैहिम बिसुल्तानिम बय्यिन, गुफार से कहता है ये लोग दलील क्यों नहीं लाते। आयातुल लिउलिल अलबाब, ये कुरान की आयतें अक्लमंदों के लिए नाजिल हुई हैं। ले कौमी याकिलून, अक्ल वालों के लिए नाजिल हुई हैं। ले कौमी ये तफक्करून, फिक्र वालों के लिए नाजिल हुई हैं। ले कौमी यालमून, इल्म वालों के लिए नाजिल हुई हैं। और जहाँ जहाँ पर यह हदीस चलती हो कि अहलुल जन्नत बुलहुन, जन्नत में सारे बेवकूफ़ जाएंगे, हुज़ूर ने फरमाया कि मेरा दीन अल अक्ल असासी, अक्ल मेरे दीन की बुनियाद है। इसका मतलब जिसके पास अक्ल ना हो उसका दीन भी बेबुनियाद है, जो बेवकूफ़ी की बात करे वो उसका दीन भी बेबुनियाद है। वो कहते हैं अहलुल जन्नत बुलहुन, सारे बेवकूफ़ जन्नत में जाएंगे, बेवकूफ़ का कबाड़ खाना है जन्नत, सारे उसमें इकट्ठे होंगे। ये इस्लाम का नहीं, इस्लाम कहता है जो चीज़ इल्म में नहीं तुम्हारे उसको अपनी ज़िंदगी का रवैया ना बनाओ। बोला तख्फ माले से लगा भैया इल्म, क्यों नहीं बनाओ? इसलिए कि खुदा ने तुम्हें आँख नहीं दी, कान नहीं दिए,
दिल नहीं दिया सोचने के लिए, दिमाग नहीं दिया, दिया है तो काम में क्यों नहीं लाते? किस लिए रखा है? ऐसे फ्रिज में रखोगे या लॉकर में बंद करोगे बैंक के? इन समा वल बसारा वल फवादा कुल्लू उलाई का कान आनू मसूला, खुदा तुमसे कानों का भी हिसाब लेगा, आंखों का भी हिसाब लेगा, दिल और दिमाग का भी हिसाब लेगा। उसको क्यों इस्तेमाल क्यों नहीं किया कि साहब वो तो दिल और दिमाग तो जो है फलां साहब के हवाले कर दिया था, वो जिधर घुमाए फिर तो उधर भी हम घूमे फिर रहे थे, ताक पर रख दिया था हमने और दिमाग पर सीमेंट भर लिया था, सारे सुराख बंद कर लिए थे ताकि बाहर की कोई हवा उसमें नहीं आने पाए। यही तो होता है, कोई समझदारी की बात कहे तो अरे वहाँ नहीं जाना, बिगड़ जाओगे। इसका मतलब ये हुआ तुम बहुत गधे और बेवकूफ़ हो, तुम हर एक की बात में आ जाते हो, तुम्हें सिर्फ मैं बेवकूफ़ बनाऊंगा, दूसरा तुम्हें क्यों बेवकूफ़ बनाए? इसका मतलब ये होता है जो तुम्हें तो मैं बिगाड़ रहा हूँ, दूसरे दूसरा क्यों बिगाड़े तुम्हें? कुरान कहता है नहीं, अक्ल की खिड़कियाँ खुली रखो, तख्त माने से लगा बेल यूँ बेवकूफ़ की तरह। किसी ने कहा कौवा कान ले गया, कान ले गया तो भागे जा रहे हैं, कान देख भी नहीं रहे कि कान है, दूसरे की बात पे भरोसा ना, इल्म नाकल का इस्तेमाल करना ये रवैया इस्लाम का नहीं। खुदा तुमसे तुम्हारे दिल, तुम्हारे कान, तुम्हारी आंख और तुम्हारे दिमाग हर के बारे में सवाल करेगा। इन समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाई का कान अनु मसूला वला तमशी फिल अर्ध मरहा। जैसे मैंने कहा ना, इस्लामी सोसाइटी की पूरी तस्वीर सामने आ रही है, कैसे होते हैं ये लोग, जान और माल का एहतराम करने वाले, इज्जत का एहतराम करने वाले, मजलूमों के साथी, अक्ल से काम लेने वाले, इल्म से काम लेने वाले, और फिर आजिज। ला तम शिफ अर्ध मरहा, जमीन में गड़कर ना चलो, ला तम शिफ अर्ध मरहा, जमीन में अकड़ के ना चलो। जो बेवकूफ़ होता है वो अकड़ता है हमेशा, जो डाली समझदार फलदार होती है वो झुकती है हमेशा। मंतवाज़ा अलैहि रफ़ाहुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो झुकता है अल्लाह उसको सब बुलंद करता है, और जो अकड़ता है अल्लाह ताला उसको ख्वार करता है, अल्लाह ताला उसको ख्वार कर देता है। अकड़ में नहीं है इज्जत, इज्जत झुकने में है, बंदगा ने खुदा के आगे झुकने में है। हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलाम सलीम ज़्यादा मौजूद इंसान इस कायनात में पैदा नहीं हुआ, इज्जतें मीरास हैं, आपके दर का सदका है इज्जतें सारी, जो आपसे ज़्यादा आपके घर के मतलब दौलत है, उससे बड़ा मौजूद कौन हो सकता है अल्लाह के रसूल से। लेकिन आपका तरीका क्या था? जब फतेह मक्का में आप तशरीफ़ लाए हैं तो इतने झुके हुए थे आपके, आपका माथा ऊँट के कोहान से लगा हुआ था। ये तो फतेह का मौका था, अकड़ जाते, देखा वाह कैसा जवाब दिया अबू सुफियान, बहुत बड़े फिरते थे, 8 साल में सब फूफा निकल गई तुम्हारी, कहाँ हो किधर हो, आप तो अकड़ जाते, आज देखो सब झुके फिर रहे हैं, कैसे घी घी आ रहे हैं, कैसे माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी आप, आपका माथा जो है ऊँट पे लगा हुआ था, उसामा गुलाम ज़ादे सामने बैठे थे और आप फरमा रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह वहदा व नसर अब्दा व हज़म अल्हदा व वहदा, अल्लाह के लिए सारी तारीफ़ें हैं, उसी ने अपने बंदे की मदद की है, मेरा तो कुछ भी नहीं। आदमी झुके झुके रहे दुनिया में। एक औरत आ गई, कांपने लगी थरथर हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलाम की महफिल में, आपने कहा डर क्यों रही है? मैं उस औरत का बेटा हूँ जो सूखा गोश्त सूखा सूखा के खाती थी, कई कई दिन फाके से रहती थी, मुझसे डरने की कोई बात नहीं है। ये उनके अल्फाज हैं जो इस कायनात में सबसे मौजूद तरीन शख्सियत हैं और उनकी इज्जत में कोई फर्क नहीं आ रहा है। इसमें फातिमा को अपनी बेटी को आप रुख्सत कर रहे हैं बगैर किसी सामान के, अपना खाना खुद ही पहुँचा रहे हैं अली मुर्तज़ा के, हाँ इज्जत में कोई फर्क भी नहीं आ रहा। हमारी बेटी की अगर धूम धड़का ना निकले तो हमारी तो नाक कट जाती है, नाक प्लास्टिक की है, दो भी यहाँ कट गई वहाँ कट गई, जब तक धूम धड़का ना हो शान ना हो वाह, दो जब तक लोग 1 साल तक यूँ कहें कि कितना हराम का पैसा है इस आदमी के पास, तब तक इज्जत ही नहीं होती, तब तक इज्जत ही नहीं होती हमारी, इज्जत इज्जत हम इसको समझते हैं। अल्लाह ने फरमाया लातम शिफल मरा, हाँ ज्यादा अखड़ो नहीं। और कैसे समझाने वाली बात कही, इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ा वलन तबलुगल जिबाला तूला, तुम ज़मीन अपने पैरों से फाड़ सकते हो, पहाड़ों से ऊँचे तुम्हारा सर हो सकता है, अल्लाह के इस कायनात में तुमसे बड़ी चीज़ें मौजूद हैं, तुम्हें उनके सामने खुदा की अजमत का एहसास नहीं होता। जिसके दिल में खुदा की अजमत का एहसास हो वो कभी अकड़ेगा नहीं, अकड़ेगा वो जो अपने आप को 30 मार्खान समझ रहा हो, हम जो मंदी करे नेस्त वो अकड़ेगा, जिसमें बेवकूफ़ी होती है वो ये करता, और जो अक्लमंद होता है वो नहीं करता, वो तो सब कुछ जानते हुए भी ये समझता है अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर, हुज़ूर अक़दस दुआ थी रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर। और यहाँ यह है कि पता कुछ भी नहीं होगा, आप कुछ भी गए, मुझे पहले ही पता था, हर बात का पता है। गालिब ने कहा हमारा इल्म क्या है, गालिब ने कहा बस ये जाना कि कुछ नहीं जाना, बस ये जाना कि कुछ नहीं जाना, ये भी एक उम्र में हुआ मालूम, ये चीज़ भी जो है जहालत के भी हमें अपने जो आशना होते हैं अरसे दराज में होते, हम काहे पे करते हैं लन तब लुगल जिबाला तूला, काहे पे करते हैं, सेहत पर कितने दिन की है, दौलत पर कब छिन जाए पता नहीं,
कब कहा आपने देखा था मिस्टर नरसिम्हा राव को? उफ वो क्या अकड़ थी, मुस्कुराता हुआ फोटो दिखाने पे 1000 रुपए का इनाम था। अकड़ के मारे बुरा हाल था मियाँ का। अब खिंची खिंची फिर रहे कोर्टों में, किधर गई वो इज्जत, वो शान शौकत कहाँ है? कैसे कैसे बड़े लोगों को हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। 2 मिनट में तख्त से तख्ता हो जाता है, सब बिगड़ जाते हैं हालात जितने भी हैं। अभी वही मिस्टर रुबेश शर्मा, क्या शान थी, करोड़ों के आदमी थे, जहाज थे, हेलीकॉप्टर थे, जूते खा रहे हैं आज, पतली दाल खा रहे हैं जेल पड़े हुए। आए दिन हमारे सामने के नज़ारे हैं, सेहत आज बहुत जवान है, पैर मार रहे हैं जमीन में तो पानी निकल रहा है, बुढ़ापे में जो है लाठी पकड़े फिरेंगे और बच्चे मजाक उड़ाएंगे। मोहम्मद अली किले जो दुनिया में बहुत बड़े बॉक्सर थे, आज हालिया के साइन नहीं कर सकते, अपना साइन नहीं कर सकते पेपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। इंसानी जिंदगी कितनी आजीज है, हुस्न बड़े हसीन और जमील हैं, लेकिन बुढ़ापे में देखा नहीं जाएगा शक्ल, अजाब बन जाएंगे अजाब जान। तो अब सवाल ये कि जब ये सब हमारे आंखों के सामने हैं तो कौन सी चीज़ें हैं करने वाली दुनिया में? और सब चीज़ें आर्जी हैं, सब चीज़ें आर्जी हैं, जिसको पता नहीं हकीकत का वो अकड़ रहा है। इन गलन तखरीक लर्द वलन तबलुग जिबाल तूला, और अल्लाह ताला एक पॉइंट की बात कह रहा है, इन सब में बुरा क्या है? ये सारी चीज़ें जो बताई हैं उसमें बुरा क्या है? बुराई क्या चीज़, किस चीज़ का नाम है? हम समझते हैं बुराई नाम है दूसरे का हक मारने का, हम समझते हैं बुराई नाम है किसी को प्यासा है पानी नहीं देने का, हम समझते हैं बुराई नाम है इस बात का कोई भूखा है उसको अपने खाना नहीं खिलाया, हम समझते हैं जिनाकारी बुराई है, हम समझते हैं यतीम का माल खाना बुराई है। ये सब कुछ बुराई नहीं है, ये सब कुछ बुराई नहीं है। कोई भी आदमी अगर मंतिक लड़ाने लगे तो कहने लगे साहब अगर किसी को प्यास लगी थी मैंने पानी पिला दिया ये अच्छी बात है, अगर किसी को जिनसी भूख लगी थी मैंने उसकी जिनसी भूख मिटा दी इसमें कौन सी बुरी बात? अगर ऐसे मंतिक कोई लगा ले तो आप क्या जवाब देंगे? ये सब चीज़ें बुराइयाँ नहीं है। तो बुराई क्या है? कुल उदालिक का काना ऐसा ये हुआ इन तरब का मकरूहा, बुराई ये है कि ये चीज़ें तेरे रब को नागवार लगती हैं। यानी अल्लाह की रजा दुनिया में हासिल करना सिर्फ ये है नेकी, और इस रजा को फरामोश करके अगर तुम कितनी सराय बनवा दो, कितने नल लगवा दो और कितना ही पैसा बहा दो, कोई नेकी वेकी नहीं है। कौन करता है? तो अपने ज़ात के लिए करते हो, पब्लिसिटी एक्सपेंडिचर है, इसमें नेकी का क्या सवाल? सराय बनवा दी, नाम होगा, पत्थर लगवा दिया, इसमें नेकी क्या सवाल? तो अपनी जात का खर्चा है, होर्डिंग लगाते हैं लोग सिगरेट वाले, कितना महंगा बनता है एक होर्डिंग। आजकल इलेक्शन हो रहा है, झंडे पे झंडा झंड कर ले आइए, लोग आटे की बोरियां बना रहे हैं, नेकर सी रहे हैं, तकिया गिलाफ सी रहे हैं, इतना झंडा बट रहा है, नहीं बट रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है? कभी आवाम के लिए जो खर्च नहीं किया था वो अभी बैनर में झंडों में खर्च हो रहा है सारा। तो क्या ये नेकी है? ये तो अपने लिए खर्च कर रहे हैं, अपनी जात पर कर रहे हैं, यानी कोई भी नेकी नहीं मानेगा। जो अपनी जात के प्रबंध के लिए खर्च हो रहा है कोई नेकी नहीं मानेगा। तो दुनिया में वो सारी नेकियां जो अपनी जात के लिए की जाएं वो नेकियां होती ही नहीं, वो तो प्रबंधा होते हैं। नेकी सिर्फ वो होती है जो अपने अल्लाह के लिए, रब की रजामंदी के लिए की जाए, सिर्फ वो होती है नेकी। यह है नेकी की हकीकत। वो कहते हैं कि मियाँ हमने नल बनवा लगवा दिया, लाला जी ने सराय बनवा दी, लाला जी ने इतने काम करा दिए, लाला जी फिर भी जहन्नम में जाएंगे। लाला जी इसलिए जहन्नम में जाएंगे कि उन्होंने अपने लिए किया, अपने अल्लाह के लिए नहीं किया। दुनिया में नेकी सिर्फ वो है जो अल्लाह के लिए की जाए, उसके अलावा कुछ भी ना किया जाए अगर कुछ भी, तो वो नेकी नहीं होती। मस्जिद में जा रहे हैं, कोई नेकी है जाना? अगर जूते चुराने के लिए जा रहे हैं तो अल्लाह के लिए जाएंगे तो ही तो नेकी है, नियत से बनती है नेकी, नियत से बनता है गुना। अल्लाह के लिए जो काम करें वो नेकी है, अल्लाह के लिए जो काम ना करें वो बदी है, चाहे दुनिया वाले उसको नेक कहें और कितना भी नेक कहें। कुल जाले का काना सही हो, बस बुराई यह है कि जो अल्लाह को नागवार लगे वो है बुराई। ज़ालिका मिम्मा ओहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा रसूल, ये वो बातें हैं जो हमने तुम पर वही की हैं हिकमत से। और फिर वही मेन बात जिस पर सारी चीज़ें डिपेंड हैं, ला तजाल मा अल्लाह, ये शुरू में भी यही कहा था, ला तजाल मा अल्लाह इलाहन आखर, अल्लाह के सिवा किसी को अपना माबूद ना बनाओ, क्योंकि जो अल्लाह के सिवा दूसरों को अपना माबूद बनाएगा वो अपनी औलाद को भी कत्ल करेगा, वो जिना भी करेगा, वो यतीम का माल भी खाएगा, वो दूसरे की जान भी मारेगा, वो मादे भी तोड़ेगा, वो तराजू की डंडी भी मारेगा। ये है बुनियादी चीज़ किरदार को तामीर करने वाली, कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई माबूद नहीं है, ये है पॉइंट। अफ़ास्फ़ाकुम रब्बुकुम बिलमनीन, और ये मुशरिकीन से एक खिताब हल्का सा दिलचस्प, कुरान करीम भी चुटकी लेता है। मुशरिकीन मक्का जो अपने अकीदे में घूमते फिरते हैं, सरस्वती देवी हैं, ये लक्ष्मी देवी हैं, ये इल्म की ये शक्ति देवी हैं, ताकत की हैं ये शक्ति, ये काली देवी हैं, ये वबाएँ लाती हैं, सब देवियाँ ही देवियाँ हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है अपने लिए तो बेटों की दुआएँ मांगते हो, अल्लाह के लिए सारी बेटियाँ ही लगा रखी हैं। अफ़ास्फ़ाकुम रब्बुकुम बिलबनीन वत्तख़ज़ मिनल मलाइकति इनासा, वाह बहुत लुत्फ़ की बात है। खुद बेटी हो जाए तो घर मुँह छुपाए फिरते हो,
खुद बेटी हो जाए तो मुझे छिपाए फिरते हो, और अल्लाह के लिए जो भी है वो बेटी ही है अल्लाह की, ये भी बेटी है वो भी बेटी, वो भी अल्लाह की बेटी। अफास फाकुम रब, तो तुम्हें अल्लाह ने खास कर लिया है बेटों के लिए और अपने लिए चुन ली है बेटियां। इन नकुम लतकुलुना कौलन अज़ीमा, वाकई बहुत बड़ी बात निकालते हो अपने मुँह से, तुम बहुत बड़ी बड़ी दिलचस्प बात निकालते हो। शिर्क कितनी बड़ी हिमाकत है और कैसी हकीकत को न जानने वाली बात है इस दुनिया के अंदर। तुमने बहुत गलत बात कही, वो बात जो कायनात के हकायक से मुताबकत नहीं रखती। इन्नकुम लतकुलुना कौलन अज़ीमा। कोई सवाल अगर आपका, जी अपने घर में अगर पीता है तो कुछ सजा नहीं है, अंदर बाहर अगर कानून तोड़ता है तो वो उसको जैसे नक्ज अमन की सजा होती है, नक्ज अमन यानी जिन चीज़ों से अमन अमान बिगड़ जाए, दूसरों को गलत मैसेज जाए, तो उसके लिए तो यहाँ पे बहुत से ऐसे कवानीन हैं कि आपको यहाँ तो इजाज़त थी, बम्बई में देखिए मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त थी, सड़क पर पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, सड़क पर पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, और जब सड़क पर मुसलमान ने पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने आटी करना शुरू कर दी सड़क के ऊपर। तो इस तरह से इस्लाम जो है अपने घर में करते रहिए, बाहर इजाज़त नहीं मिलेगी आपको, उसके लिए तो खैर काफ़ी फुकहाए किराम में इख्तलाफात हैं, खुद उनकी अपनी जो कोड है उनका जो पर्सनल लॉ है वो उन पर लागू किया जाएगा। नहीं तो यहाँ मैदान जिहाद का जिक्र नहीं हो रहा, यहाँ तो उस आम पोजीशन का जिक्र हो रहा है। हज़रत रुकाना जो हुज़ूर अक़दस के पहलवान थे, उहद की लड़ाई में जब हुज़ूर अक़दस को जख्म लगे तो रुमाल उन्होंने बांधा, सर पर सुर्ख रुमाल बांधा, और बांधने के बाद तलवार हाथ में ली और सीना तान के चले अकड़ते हुए। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये चाल खुदा को पसंद नहीं, लेकिन जिहाद के मौके पर इससे बढ़कर चाल खुदा को पसंद नहीं, यानी जिहाद में यही चाल खुदा को पसंद है। तो एक एक मतलब वो हर चीज़ का एक सियाक होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, उसको उसी में रखा जाता है। ये आम तालीमात हैं जो आम तौर से सलमान रश्दी साहब इन्वर्टेड कामाज में देखिए इसको आप समझिए, ये क्रिटिसाइज है, ये क्रिटिसाइज है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.